चेहरे पर उनके आएगी खुशी और हो जाएंगी सारी शिकायतें गुम। अपने हीरे को पहनाइए हीरा और कहिए हीरा हो तुम। हीरे के गहनों की कीमत पर पाइए 20% तक की छूट। आज ही विजिट करें तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शिवदेलागू। मैं दिनेश जाट, NSCI द्वारा अध्यक्ष, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। सबसे पहले मैं अब्दुल भाई का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और टिकट दिया। और हमारा यही लक्ष्य होगा कि बाकी का जो NSCI का पैनल है उसी को हम जीता के लेकर आएंगे। और जो कल हमारे साथ घटना हुई वो भी बताता हूँ मैं। कल जब हम वापस आपत्ति दर्ज कराने गए तब ABBP के कुछ गुंडे वहाँ खड़े थे। उन्होंने हमारे साथ हाथापाई भी की, गाड़ियों के कांच भी तोड़ दिए और हमारे साथ जो लड़कियों थे उनके भी साथ गलत व्यवहार किया और कुछ जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया और हमें रोकने की कोशिश की। अब क्या प्राथमिकता देगी आपकी? जीतने के बाद हम पूरी टीम को साथ लेके चलेंगे। पूरे कॉलेज हमारे लिए सभी स्टूडेंट समान है, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, हम सबका सहयोग करेंगे। और जब भी कभी छात्र शक्ति को जरूरत पड़ेगी हम सबसे पहले आगे आके खड़े होंगे। और बाकी चार दीवारी का निर्माण करवाएंगे कॉलेज में, हाईटेक लाइब्रेरी भी लेके आएंगे और स्टाफ की भी व्यवस्था करवाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा हो और नियमित क्लासेस चलाने की कोशिश करवाएंगे। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन अजमेर के लिए बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है। आज हमने राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर, जहाँ पिछले 18 साल लग गए हमें अपना अध्यक्ष पद प्रत्याशी को जिताने में, तो कहीं ना कहीं ये इतिहास रचा है भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन अजमेर ने कि राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर में आज हमने निर्विरोध अपने प्रत्याशी को वहाँ से जिता कर लाए हैं। जो विद्यार्थी परिषद के गुंडों ने भय का माहौल हर महाविद्यालय परिसर में बना रखा है, ये कहीं ना कहीं उनके मुंह पे तमाचा है। और विद्यार्थी परिषद की जो टिकट वितरण कमेटी है ये कहीं ना कहीं उन पे भी सवालिया निशान खड़े करता है कि उन्होंने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का को टिकट वितरण कर अपना उम्मीदवार बनाया है। साथ ही दयानंद महाविद्यालय में भी उन्होंने जिसको अध्यक्ष पद प्रत्याशी पे अपना उम्मीदवार बनाया था उसका भी नामांकन आज खारिज हो गया है। तो ये विद्यार्थी परिषद पे सवालिया निशान खड़े करता है कि जो उनके टिकट वितरण हुए कहीं ना कहीं इसमें कोई बड़ा झोलझाल हुआ है। कल उन्हीं के एक पूर्व कार्यकर्ता रहे जिन्होंने अपना नामांकन बागी के तौर पर भरा, राजेश चौधरी ने, आप सभी मीडिया बंधुओं के समक्ष टिकटों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए और उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास कुछ सबूत भी इसके हैं। तो मैं विद्यार्थी परिषद से ये सवाल करता हूँ कि जो छात्र संगठन बनते हैं ये छात्र हितों की रक्षा के लिए बनते हैं, ना कि आप छात्र हितों की रक्षा के लिए जिन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भेज रहे हो इससे छात्रों में भय का माहौल बनेगा। किसी को धन बल पे देकर आप छात्र हितों की रक्षा क्या वो करेगा जो किसी बाहुबली का बेटा हो या किसी धनाढ्य सेठ का बेटा हो, वो कोई छात्र हितों की रक्षा नहीं कर सकेगा। साथ ही महाविद्यालय में जो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन है उसने पिछले 2 वर्ष में कोरोना काल के जब छात्र संघ चुनाव नहीं हुए जो अपने कर्म किए थे, छात्रों की सेवा की थी कोरोना में, छात्र रसोई चलाकर, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एकमात्र छात्र संगठन है जो पूरे कोरोना काल में जिसने अपने प्रत्येक जिले में छात्र रसोई चलाई, जब ऑक्सीजन सिलेंडर घर घर वितरित करके, जब कोरोना के भय में कोई डॉक्टर्स भी अपनी सेवाएं दे रहे थे पर जिनको अपना कर्तव्य समझना चाहिए था उन्होंने नहीं समझा, तब भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन आगे आया और उसने कर्तव्य, डॉक्टर्स भी अपनी सेवाएं दे रहे थे पर जिनको अपना कर्तव्य समझना चाहिए था उन्होंने नहीं समझा, तब भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन आगे आया और उसने कर्तव्य निभाया। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि जो हमने कर्म किए हैं, जो छात्रों की सेवा की है, जो समाज सेवा की है, कहीं ना कहीं उसका ये फल मिलने जा रहा है। सभी छात्रों में सकारात्मक माहौल है, बचे हुए महाविद्यालयों में भी हम जीत की ओर अग्रसर हैं। जल्दी परिणाम इसके जब 27 को आएंगे तो इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। क्या मानते हो डीएवी कॉलेज में आपका पैनल नहीं उतर पाया क्या? डीएवी कॉलेज में हमारा पैनल उतार दिया था, वहाँ जो महाविद्यालय का प्रशासन है उसने कहीं ना कहीं छात्रों के साथ कुटाराघात किया है। जो छात्रों को मतदाता सूची में लिया है कहीं ना कहीं उनकी संख्या बहुत कम है, तो सिर्फ उन्हीं को
मौका दिया है जिन्होंने फीस जमा कराई। हमने प्रशासन पे भी आरोप लगाते हैं कि उन्होंने छात्रों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं। सिर्फ वहाँ 198 की मतदाता सूची है। कई उम्मीदवार हमसे जब टिकट मांगने आए तो हमने उनसे पूछा कि आप क्या आपका जीत का समीकरण है, तो उससे संतुष्ट हम नहीं थे। पर हमारे संपर्क में जो नामांकन दाखिल करे हुए प्रत्याशी हैं वो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के संपर्क में है, वो जल्द ही हमारी घोषणा वहाँ होने जा रही है। किशनगढ़ का क्या है? किशनगढ़, किशनगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडों ने जो गुंडा राज वहाँ चला रखा है, वहाँ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के उम्मीदवार को घर से अपहरण कर ले जाया गया, जबरदस्ती उससे नामांकन वापस दिलवाया गया। तो ये हम पुलिस प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इन गुंडों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो छात्र संघ चुनाव है इसमें अध्यक्ष चुनने का अवसर सिर्फ छात्र छात्राओं को होना चाहिए, ना कि बाहुबलियों को, कि वो अपने बाहुबल के दम पर किसी प्रत्याशी का अपहरण करवा लें। जो इसमें इसका संदेश है वो समस्त छात्र छात्राओं के बीच में जाएगा और इसका जवाब समस्त छात्र शक्ति 26 तारीख को देगी। अब्दुल मुकदमा भी दर्ज कराया क्या आपने? सिविल लाइन थाने में कल जब हमारे विधि महाविद्यालय के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आपत्ति प्रस्तुत करने विधि महाविद्यालय परिसर में उपस्थित हुए, तो वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडों ने इन पे हमला कर दिया, इनकी गाड़ी के कांच तोड़ दिए, लड़कियों के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी करी। तो इसके विरुद्ध में हमने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में FIR भी हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां कराई है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडों पे। अब्दुल फरहान खान, NSUI जिला अध्यक्ष, अजमेर।